नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह आप घर बैठे ही अपने पीसी पर सेल्स रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, अब किसी को पता नहीं होगा सेल्स रिपोर्ट होता क्या है दोस्तों, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा या फिर आपके घर पर भी कई बार सेल्समैन आ चुके होंगे जो कि कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जो कि हमें वो सेल करते हैं। ठीक है, तो वो अगर सेल हो जाते हैं उनसे तो उन्हें ऊपर जो है उनके बॉस को या फिर उनके ऊपर जो इंचार्ज है उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता है कि आज के दिन में आज की कौन से डेट पर जो है कौन से सिटी में कितने अमाउंट के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है और किसने किया है वो सेल। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स उन्हें देनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये सेल्स रिपोर्ट जो है वो किस सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। तो आपने नाम सुना ही होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जो एमएस एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसमें ये सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं दोस्तों। तो एक्सेल ओपन करने के दो तरीके हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में आ जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई देगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको क्लिक कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर ये 2007 या फिर 2010 भी होता 13 भी होता है, तो ये अपने अपने वर्जन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई देने के बाद में आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो है दोस्तों, आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट की प्रेस करनी है, विंडोज और आर बटन। ठीक है, विंडोज की जो है दोस्तों वो और प्लस आर बटन उसके साथ आपको प्रेस करना है। जो कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड में कंट्रोल और अल्ट बटन है उसके सेंटर में जो विंडोज की है वो आपको प्रेस करनी है और आर बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने रन का बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसमें आपको टाइप करना है एक्सेल। आप जो है ये स्पेलिंग अच्छे से टाइप कीजिए वरना यहाँ पर आपका एक्सेल ओपन नहीं होगा। तो आपको ओके कर देना है एक्सेल टाइप करने के बाद में। तो यहाँ पर आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रोसेस किस तरह एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक फाइल बना के रखी है शिवा सेल्स रिपोर्ट के नाम से, तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताने के लिए बना कर रखी है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये फाइल जो है ओपन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पता नहीं होगा सेल्स रिपोर्ट किस तरह होते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे किस तरह सेल्स रिपोर्ट होता है। लाइक दिस, यहाँ पर सेल्समैन का नाम है, सिटी है, प्रोडक्ट है और अमाउंट है। यहाँ पर लाइक दिस, ये जो है ओम एक सेल्समैन है, साई एक सेल्समैन है, शिवम एक सेल्समैन है और स्वप्निल एक सेल्समैन है। तो यहाँ पर हमारे चार सामने फॉर एग्जांपल मैंने चार सेल्समैन यहाँ पर लिए हैं। उन्होंने सिटी में कौन से सिटी में सेल किया है और कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है और किस अमाउंट से सेल किया है और उस सेल्समैन का ग्रैंड जो टोटल है वो कितना है और सारे सेल्समैन का मिलाकर यहाँ पर ग्रैंड टोटल कितना होता है, तो वो भी यहाँ पर शो कराएगा। तो इस तरीके से ये होता है दोस्तों। अभी अगर मैं ये जो है दोस्तों सिर्फ टाइप किया हुआ नहीं है, ये एक एज अ प्रोसीजर के थ्रू बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर आगे चल के भी हम कुछ चेंजेस करें तो सारे के सारे प्लस माइनस यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ओम जो है उसने हमने जो सारा डेटा जो है समझो एज अ प्रोसीजर के थ्रू बना लिया सेल्स रिपोर्ट, और बाद में हमें पता चलता है कि ओम ने जो है दिल्ली में मॉनिटर सेल किया था लेकिन उसकी प्राइस जो थी 6,000 रुपये उसकी अमाउंट हुई थी लेकिन हमने यहाँ पर 3,000 ही डाली है। तो हम एडिट कर सकते हैं इसे, हम यहाँ पर 6,000 करेंगे तो आप देख पाओगे ओम की जो टोटल है ये यहाँ पर ओम की टोटल और ग्रैंड टोटल में हमारे प्लस माइनस हो जाएगा जो भी होता है। ठीक है, तो हम एंटर करते हैं तो आपने देखा ओम की टोटल में 9,000 हो चुके हैं और यहाँ पर ग्रैंड टोटल में 40,000 हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 3,000 कर देता हूँ तो आप देख पाओगे ओम की टोटल में जो 9,000 है वहाँ पर चेंजेस होगा, माइनस हो जाएगा और 40,000 में भी यहाँ पर ग्रैंड टोटल में माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3,000 करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर चेंजेस हुए हैं ग्रैंड टोटल में भी और ओम के टोटल में भी। तो ये एज अ प्रोसीजर के थ्रू बनाया है इसलिए वो चेंजेस हो रहा है। अगर ये सिर्फ टाइप किया हुआ रहता रहा हुआ दोस्तों तो यहाँ पर टाइप अगर टाइप किया हुआ रहता होता ये दोस्तों तो ठीक है, यहाँ पर ये चेंजेस नहीं होता अगर हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस करने के बाद में भी। ठीक है, तो एज अ प्रोसीजर के थ्रू सेल्स रिपोर्ट किस तरह बनाते हैं आज के वीडियो में चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो है डिलीट कर देता हूँ सारा डेटा, यहाँ पर इसे मैं डिलीट करता हूँ, ये कॉलम्स भी जो है हम हटा देते हैं। चलिए सबका हमने हटा दिया है, यहाँ पर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स मैन। ओके, सेल्स मैन का नाम यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर सिटी लिख देते हैं, सिटी का एक टैब यहाँ पर हम डाल देते हैं, यहाँ पर हम जो है और एक टैब ले लेते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट। ठीक है,
प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल अमाउंट, इतना हमें टैब्स लेने होते हैं। यहाँ पर सेल्समैन का रिपोर्ट नाम लेते हैं हम फॉर एग्जांपल अनीश, ठीक है। अनीश जो है मुंबई में सेल किया हार्ड डिस्क, उसके अमाउंट हो गए 5,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल सेल्समैन लेते हैं हम नीतीश, नीतीश ने जो है पुणे में सेल किया मॉनिटर, उसके हो गई प्राइस 10,000 रुपए, ठीक है। उसने 10,000 रुपए के मॉनिटर पुणे में बेचे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम फॉर एग्जांपल सेल्समैन लेते हैं शुभम, शुभम जो है उसने सेल किया फॉर एग्जांपल दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में उसने सेल किया कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड उसने सेल किया, उसकी प्राइस हो गई 6,000 रुपए, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेल्समैन हम लेते हैं शिवम, ओके, उसने जो है सेल किया जालना में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जालना ले लेते हैं, जालना सिटी, जालना में उसने सेल किया माउस, ओके, माउस उसने सेल किया, उसकी प्राइस हो गई 3,000 रुपए उसके अमाउंट, ओके। उसने 3,000 रुपए के माउस जो है जालना सिटी में सेल किया शिवम ने, ओके। फॉर एग्जांपल हम और लेते हैं अनीश, अनीश ने जो है पुणे में सेल किया कीबोर्ड, ओके, कीबोर्ड अनीश ने सेल किया, उसकी हो गई प्राइस 6,000 रुपए फॉर एग्जांपल, ओके। उसके बाद में हम फिर से लेते हैं नीतीश, ओके, नीतीश ने जो है सेल किया जालना में, जालना में उसने अगली बार सेल किया कीबोर्ड, ठीक है, सॉरी कीबोर्ड नहीं, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क, तो उसकी प्राइस हो गई 4,000 रुपए, ठीक है। फॉर एग्जांपल शुभम ने फिर से सेल किया पुणे में, ठीक है, पुणे में उसने सेल किया माउस, ओके, माउस यहाँ पर उसने सेल किया, तो उसकी प्राइस हो गई 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए उसकी प्राइस हो गई। तो फॉर एग्जांपल और यहाँ पर शिवम ने सेल किया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम शिवम ने जालना में सेल किया था, तो हम सिटी लेते हैं मुंबई, ठीक है, या फिर दिल्ली ले लेते हैं हम, तो दिल्ली, यहाँ पर शिवम ने दिल्ली में सेल किया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम शिवम ने सेल किया था माउस, तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हार्ड डिस्क सेल किया उसने, ठीक है, शिवम ने हार्ड डिस्क सेल किया और उसकी जो अमाउंट हो गई वो हो गई 3,000 रुपए। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको इस तरीके की डाटा शीट यहाँ पर ली है दोस्तों, ओके, चलिए इतना हमें करना है। उसके बाद में आप जब इस तरीके से डाटा आपका फॉरवर्ड डिफॉल्ट आप टाइप कर लोगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है उसके आगे भी प्रोसेसर मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है सेल्समैन का जो कॉलम है उसे इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप जब होम टैब में आ जाओगे, होम टैब में आपको आना है और यहाँ पर आपको आना है सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में। यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट ए टू जेड, ठीक है। तो आपको ए टू जेड के अल्फ़ाबेट से जो है वो सॉर्ट कर लेना है। तो हम इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, यहाँ पर होम टैब में आना है और यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में आके आपको सॉर्ट ए टू जेड के अल्फाबेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर रहने देना है एक्सपांड द सिलेक्शन। तो आप देख पाओगे अनीश, नीतीश, शुभम, शिवम, ये जो है अल्फाबेट से लग जाएंगे जो हमारे सेल्समैन के नाम है, ठीक है। हम सॉर्ट पे करते हैं तो आप देख पाओगे दोस्तों हमारे जो सेल्समैन का नाम है वो सॉर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, ए टू जेड के अल्फ़ाबेट में लग चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें सारा डेटा जो है वो हमें सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारा सारा डेटा सेलेक्ट करना है। आपका हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना छोटा सा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए, आपका हो सकता है पूरा शीट भर के हो सकता है आपका डेटा, तो आपको सारा डेटा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आना है आपको यहाँ पर डाटा के टैब में, ठीक है, यहाँ पर डाटा का टैब आपको दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सब टोटल का, ये ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऐड सब टोटल टू, ठीक है, मतलब कौन से टैब के साथ आप लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम अमाउंट के साथ लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अमाउंट कॉम्बो ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और ओके करेंगे। तो आप बैक साइड में देख पाओगे यहाँ पर हमारा जो डाटा है दोस्तों वो पूरी तरीके से आ जाएगा, जैसे कि कौन से सेल्समैन ने कौन से सिटी में कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट के थ्रू जो है सेल किया है और उस सेल्समैन की टोटल कितनी है और हमारे सारे सेल्समैन की ग्रैंड टोटल कितनी है, तो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, आप देख पाओगे बैक साइड में हम ओके करते हैं। तो हमने जैसे ही ओके किया दोस्तों आपने देखा, देख पाओगे आप यहाँ पर अनीश ने दो बार दो सिटीज़ में अनीश ने जो है यहाँ पर प्रोडक्ट सेल किए हैं हार्ड डिस्क और कीबोर्ड।
तो उसकी मुंबई की जो मुंबई में जब उसने सेल किया था उसकी थी 5,000, और पुणे में जो थी किया था उसने उसकी थी 6,000 रुपये, जो कि कीबोर्ड उसने बेचे थे, और उसके अनिश की टोटल है 11,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक की टोटल यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर सारे की सारे सब सेल्समैन की ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं सेल्स रिपोर्ट एज अ प्रोसीजर थ्रू हमारे एक्सेल में। ठीक है, तो ये प्रोसीजर थी दोस्तों किस तरह सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं एक्सेल में। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों, तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।